सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी को और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आप मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियन लाइफस्टाइल विद रजनी। जैसे कि आप जानते ही हैं, दिवाली आने वाली है और दिवाली होगी तो हम बहुत सारी स्वीट्स भी खाएंगे। कुछ स्वीट्स ऐसी होंगी जो हम बाहर से मंगाएंगे और कुछ ऐसी होंगी जो हम घर पर ही बनाएंगे। ऐसे ही एक ऐसी स्वीट है जो मुझे बहुत ही पसंद है और मैं हमेशा अपने घर पर बनाती हूँ, वो है शकरपारा। ये मिठाई बहुत ही इजी है बनानी, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूँ कि मैं इसे कैसे बनाती हूँ। तो चलिए देखते हैं। शकरपारा बनाने के लिए आपको चाहिए मैदा 3 कप, चीनी पिसी हुई 1/2 कप, घी 1/4 कप या फिर 60 ग्राम, तिल 2 टेबलस्पून, दूध 1/2 कप। अब इन सब का मुझे आटा गूंदना है। मैं ये मैदा डाल रही हूँ, तिल डाल रही हूँ, इसमें फिर मैं ये घी डाल रही हूँ, ये दूध डाल रही हूँ और साथ में ये शुगर भी डाल रही हूँ। अब मुझे इसका आटा गूंदना है। ये डो थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया था इसलिए मैंने इसके अंदर 2 टेबलस्पून और मैदा मिलाया ताकि ये थोड़ा हार्ड हो जाए। इसको ऐसा ही गूंदना है जैसा हम पूरी का आटा गूंदते हैं। ये डो तैयार हो गया है, अब मैं इसको आधे घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ दूंगी। आधा घंटा हो गया है मैदे के डो को रखे हुए, अब मैं इसको दोबारा से सॉफ्ट कर लूंगी। अब मैं इसको 3 टुकड़ों में निकाल लूंगी। और इसकी लोई बना लूंगी। अब मैं इसकी बड़ी सी मोटी सी एक पूरी बनाऊंगी। ये मैंने मोटी सी रोटी बना ली है, अब मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े करूंगी शकरपारे की शेप में। इनको मैंने कट कर लिया है, अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल रही हूँ। मैंने ये तेल कढ़ाई में मीडियम आंच पर गर्म होने के लिए रखा हुआ था। मैं ये शकरपारे तेल में तल रही हूँ, अगर आप चाहें तो आप इसे घी में भी तल सकते हैं। और एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो आँच है वो हमेशा मीडियम ही रहे, उसको कभी भी हाई मत करना, नहीं तो क्या होगा, शकरपारे जल जाएंगे और हमें उन्हें अच्छे से अंदर तक पकाना है, इसलिए ये मीडियम आँच पर ही रहे तो अच्छे से ये पकेंगे। आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब तक कि ये शकरपारे ऊपर ना आ जाएं गर्म होके तब तक इन्हें हिलाना नहीं है। जब ये ऊपर आ जाएंगे उसके बाद इन्हें पलटना है, नहीं तो ये टूट सकते हैं। अब ये शकरपारे थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं इसलिए मैं इन्हें अब पलट रही हूँ। और मैंने गैस को बिल्कुल धीमा कर दिया है क्योंकि मुझे लग रहा था कि मीडियम फ्लेम पर ये थोड़े जल सकते हैं। धीमी धीमी आंच पर ये अच्छे से अंदर तक पक जाएंगे।
शकरपारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब मैं इनको निकाल लूंगी। देखिए कितना अच्छा कलर आया है इनका। शक्करपारे बनकर तैयार हैं, इन्हें आप दिवाली पे खुद भी खाइए और अपने मेहमानों को भी खिलाइए। तो देखा आपने कितना आसान था इस मिठाई को बनाना। आप भी इसे घर पर जरूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो फिर मिलूंगी आपको जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।